हेलो व्यूअर्स अ वेरी वॉम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एम विराट अरोड़ा करियर एक्सपर्ट एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट फ्रेंड्स आज मैं कुछ जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट ड्यूरेशन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज लेकर आया हूँ जिनको आप आफ्टर क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी या पी कैंडिडेट्स ले सकते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं नंबर वन सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्निक इन सबको करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में जॉब ले सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक डिप्लोमा इन प्रोस्थैटिक्स एंड ऑर्थैटिक्स डिप्लोमा इन डायलिसिस एंड प्रोस्थैटिक्स लेने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होप आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सर्टिफिकेट कोर्स इन वार्ड अटेंडेंट इन मल्टीपल रिहैबिलिटेशन थेरेपी डिप्लोमा इन ऑपरेशन इन कोर्सेज को करने के बाद भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन ऑप्थैल्मिक टेक्निक इसके ऊपर मैं विशेष ध्यान देना चाहूंगा डिप्लोमा इन ऑपथेलमिक टेक्निक करने के बाद आप अपनी चश्मे की दुकान खोल सकते हैं स्पेक्टिकल्स की जो शॉप होती है आप अपनी वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो ये एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन भी आपको देता है डिप्लोमा इन डेयरी सर्विस डिप्लोमा इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन डिप्लोमा इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन लेने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है सर्टिफिकेट कोर्स इन हेयर एंड स्किन केयर करने के बाद आप अपना ख़ुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं पार्लर्स ओपन कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर लेने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी विच इज़ अ टू इयर्स ड्यूरेशन कोर्स इसको जो बहुत इजीली हर जगह पर अवेलेबल रहता है इस कोर्स को करने के बाद आप अपना पर्सनल मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही फार्मा कंपनीज़ में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है एडवांस डिप्लोमा इन मेन्यूस्क्रिप्टोलॉजी सर्टिफिकेट कोर्स इन गार्डनिंग एंड नर्सरी मैनेजमेंट तो ये कुछ अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं सर्टिफिकेट इन बायोकल्चर टेक्निक सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सर्टिफिकेट कोर्स इन पॉलीमर्स प्रोसेसिंग इन तीन कोर्सेस को करने के बाद आप ईजीली प्राइवेट कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री लेने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल सोशल वर्कर तो ये कुछ और सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनमें जो इंस्टीट्यूट्स के नाम हमने मेंशन किए हैं इसके अलावा भी और बहुत सारे में ये कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं तो डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्निक सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्लैबोटोमिस्ट जिन स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल लैब खोलनी है या जिन स्टूडेंट्स को किसी लैब में वर्क करना है जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड काम होते हैं जहाँ पर ब्लड से रिलेटेड वर्क होता है तो वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्लेबोटोमिस्ट की जरूरत पड़ती है और फ्लेबोटोमिस्ट की डिमांड ऑलमोस्ट हर पैथोलॉजी लैब को रहती है तो जिनको पैथोलॉजी का कोई वर्क करना है तो सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्लेबोटोमिस्ट उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक नर्सिंग डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा पैरामेडिकल नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन मल्टीपल लैब टेक्नीशियन जो स्टूडेंट्स लैब में काम करना चाहते हैं या अपनी लैब एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन मल्टीपल लैब टेक्नीशियन एक अच्छा विकल्प माना जाता है थैंक यू